अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चौथा दिन ट्रंप से मुलाकात के साथ कई बैठकों में लेंगे भाग। महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी को गेट्स फाउंडेशन की ओर से ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से भी किया जाएगा सम्मानित। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां हुई तेज। बीजेपी और शिवसेना में सीटों का फॉर्मूला लगभग हुआ तय। लंबे मंथन के बाद आज हो सकता है सीट बंटवारे का ऐलान। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज। सरकारी खजाने से मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन पर आयकर अदा किए जाने की 28 साल पुरानी व्यवस्था खत्म करने पर लगेगी मोहर। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी संभव। बढ़ती प्याज की कीमतों से दिल्ली वासियों को मिलेगी राहत। मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले, दिल्ली सरकार खरीद रही है प्याज। 10 दिन में नहीं घटे दाम तो 24 रुपए प्रति किलो प्याज देगी दिल्ली सरकार। अयोध्या मामले में आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हफ्ते में 4 दिन सुनवाई का वक्त 1 घंटे बढ़ा। आज भी शाम 5 बजे तक होगी जिरह। सोमवार को मुस्लिम पक्षकार के वकील राजीव धवन ने रखी थी दलीलें। कहा था 1528 में बनाई गई थी मस्जिद। आईएनएक्स मीडिया केस में कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम की जमानत याचिका पर आज भी होगी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। चिदम्बरम ने वित्त मंत्री के पद का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए किए जाने के आरोप से किया था इनकार। उन्नाव मामले में पीड़िता के चाचा की कोर्ट में पेशी आज। तिहाड़ जेल से आरोपी को कड़ी सुरक्षा मिलाया जाएगा सत्र न्यायालय। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी सुनवाई। पीड़िता के चाचा पर अलग अलग कोर्ट में चल रहे हैं 5 मुकदमे। आज राजधानी दिल्ली के दौरे पर आएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। विदेशी मीडिया से करेंगे बात। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा, कार्य और प्रासंगिक विषयों पर देंगे जानकारी। 29 सितंबर से शुरू होने वाले मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस के 13वें सीजन के लॉन्चिंग इवेंट में सलमान खान को आया फोटोग्राफर पर गुस्सा। कहा, मुझसे प्रॉब्लम है तो कर दो मुझे बैन। वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जाहिर किया अपना दुख। नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने की शिकायत। कहा, यह अन्याय है कि उन्हें कभी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला। ब्रिटिश संसद के निलंबन पर आज फैसला सुनाएगा सर्वोच्च न्यायालय। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर है गैरकानूनी रूप से संसद चलाने का आरोप। सिंगापुर में एक भारतीय को रिश्वत लेने के जुर्म में हुई कैद। सोने से भरे बैग का वजन कम करके बताने के लिए 8 हफ्ते खानी पड़ेगी जेल की हवा। रिकॉर्ड 6वीं बार फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर बने लियोनेल मेसी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और वान को भी पछाड़ा। बांग्लादेश दौरे पर नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह। बांग्लादेश के तीनों सेनाओं के प्रमुखों समेत वरिष्ठ अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। इस साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंची पेट्रोल की कीमत। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 22 पैसे और डीजल की कीमत में 14 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के लिए चुकाने पड़ रहे हैं 74.13 रुपए। रिजर्व बैंक की अक्टूबर में होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट में हो सकती है मामूली कटौती। सिंगापुर के DBS बैंक ने एक रिपोर्ट जारी कर जताया अनुमान। सरकारी बैंकों की विलय प्रक्रिया के खिलाफ बैंकिंग कर्मचारियों और अधिकारियों की हड़ताल स्थगित। वित्त सचिव ने मुलाकात कर कर्मचारियों को दिया आश्वासन। इससे पहले कर्मचारियों ने 26 सितंबर से 2 दिनों तक हड़ताल करने का किया था ऐलान। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन आज भी बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स 172 अंकों की बढ़त के बाद 39,262 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी ने 39 अंकों की बढ़त के साथ 11,640 के स्तर पर की कारोबार की शुरुआत। वीवो आज अपने यू सीरीज के स्मार्टफोन भारत में करेगा लॉन्च। वीवो U10 बताया जा रहा है सीरीज के पहले डिवाइस का नाम। ट्रिपल कैमरा और गेमिंग मोड होगा खास।